बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। आज है 17 अक्टूबर 2022 और दिन है पीर का। तो आज मैं आपके साथ फार्म की एक वीडियो शेयर करता हूँ और डेरी ड्रीम की भी करूँगा इंशाल्लाह। तो ये जी माशाल्लाह चेक करें, अपने राय वीडियो देखते हैं माशाल्लाह दोस्त बड़ी तादाद में, और अपनी राय भी दिया करें आप उसके ऊपर यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे आके। तो प्लाई के लिए अगर कोई दोस्त देना चाहे तो वो दे सकता है जानवर। ये जी माशाल्लाह फीड अभी थोड़ी देर होगी ये फीड को, ये सब्ज चारा होता है ताज़ा मकई का, ये चेक करें। और इसी में ये वंडा भी लगा हुआ है इसको, और जो स्पेशल वाले होते हैं उनका वंडा हम अलग से डालते भी हैं। और ये जी ये नई एंट्री है माशाल्लाह, ये शहजाद भाई दिखाएंगे एंट्री नई। ये नया मेहमान आया है, शायद दिखा ही दिया हो उसने। और ये वाला भी हमारा नया मेहमान आया है, और खोलियो अगला बच्चा है, नवा नवा आई है ना। हाँ ये जी माशाल्लाह, ये भी हमारी नई एंट्री आई है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आया है जी एक नया बछड़ा। इन्हों एनू करो ज़रा इधर ले कर तोरो है इन्हों। ये जी माशाल्लाह, ये जी शहबाज साहब हैं। अभी इसको नाथ डालिए, आज डवर्मिंग होगी। हाँ जी डवर्मिंग होगी, सारे नहीं होगी जो नवे आए। हाँ जी जी, इनको पेट के जो कीड़े वाली दवाई है वो दे दी गई है। जब ये दवाई देते हैं एक आधा दिन इनकी फील्ड डिस्टर्ब होती है, और ये नकेल भी डाली है ज़रा महसूस कर रहा है अभी, है ना, इसको पहले नहीं थी। इधर इधर ही मेरे को ही लेके आए। तो ये शहबाज साहब हैं जी, पाकिस्तान से पता नहीं कौन सा शहर है, और वैसे पेरिस में होते हैं। तो ये जी माशाल्लाह उनका आया चोलस्तानी है, नस्ल में है, अच्छा है जानवर, प्यारा जानवर है जी माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनकी किस्मत में करे। और बाकी ये जी कोई दोस्त अगर अप्लाई के लिए जानवर देना चाहे तो अभी आप लें टाइम, फिर ईद तक थोड़ा है, पीछे कम रहता जाता है। हमारे पास भी सेल के बछड़े अवेलेबल हैं, कोई दोस्त अगर देखना चाहे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। ये चेक करें माशाल्लाह, ये देखें जी, ये सारे 2022 की कुर्बानी के लिए। और ये जी माशाल्लाह खीरा बछड़ा है, और 400 प्लस इसका वेट है, लाइव वेट 400 केजी प्लस है। कोई दोस्त अगर लेना चाहे तो वो हमारे साथ रابطے में आए, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे है। तो माशाल्लाह अभी खीरा है, आपको मिलेगा जानवर 13,500 ले रहे हैं पर मंथ प्लाई। और ये चेक करें माशाल्लाह, अभी फीड भी इनको अभी अभी हुई है। ये इरफान साहब हैं गुजरांवाला से, और ये भी इरफान भाई का, ये भी गुजरांवाला से हैं वो। इनका मेरा ख्याल ये खीरा है, और वो दो दांत हो गया है इरफान भाई का बछड़ा। और ये फैसल साहब का है जी माशाल्लाह, ये देखें जी पूरा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ऐसा सदीकी साहब का है, 24 पे जाएगा ये। ये वाला मेरा ख्याल हमारा ही है ये। ये चेक करें जी माशाल्लाह, और ये है जी शेख ज़ुबैर शेख साहब। ये चेक करें, ये पहले का हमारे पास है, और प्लाई भी देखें। राणा साहब फैसलाबाद से, बस भाई बस बेटे। ये चेक करें माशाल्लाह, अच्छा जी। ये है जी अपना बछड़ा हुसैन साहब, हसन साहब अपना हुसैन भाई हैं, और फरदीन साहब, फरहान साहब कोरिया कराची, ये उनका है जी। और ये है जी शहजाद साहब कराची से, शहजाद भाई का, मेरा ख्याल इसका टैग नंबर 18 होगा, पिछले साल इनका 18 ही था। तो ये जी माशाल्लाह शहजाद भाई का है जी। ओहो ये देखें, अब जाके ना ये इसने दिल लगाया है, और माशाल्लाह बेहतर हो रहा है। और ये है जी, अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो बड़ा ही प्यारा बछड़ा है, नाफ जलर में कलर में भी बड़ा ही प्यारा है।
अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड हो तो वो रब्ता कराए। ये है जी बाबर साहब मस्कत से, तो माशाल्लाह चेक करें जी, ये देखें जी, ये होता है अगर पहले अप्लाई पे आए जानवर और थोड़ा टाइम ज़्यादा मिले फार्म पे तो फिर अच्छी लुक आफ्टर में आ रहा है, आ जाता है जानवर। ये देखें टोटल वैक्सीनेटेड है माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट जानवर है, और आप इसका बॉडी वेट भी चेक कर सकते हैं। और ये है जी फैसल साहब का कराची से, चेक करें माशाल्लाह। अभी दरअसल मैं मसरूफ़ है खाने में, और जब ये खा के रुक जाते हैं अपना इनका भर जाता है पेट, उसके बाद फिर ये शाम को मस्तियाँ भी। ये है, ये भी अपना फैसल साहब का कराची से, और ये जी बाबर साहब का माशाल्लाह। ये देखें जी, अल्लाह पाक नज़रे बस से बचाए। और ये जानवर आप चेक करें इनका माशाल्लाह, ये देखें। और ये है जी आप अच्छा किना था, मेरे जहन चो निकल गया, शाहब नु पता होना, पता अच्छा कहता किने, हाँ अच्छा किने दा पता मैं क्या, नहीं वो नहीं गा, वो नहीं गा, सलमान भाई दा बच्चा कितने, वो भी नवा आया, वो कितने आ, वो बच्चा उन्होंने डवर्मिंग दी है, वो दूजी साइड से होएगा, वो दी हो डवर्मिंग मेरा ख्याल अलग गा। यह है जी आपकी उजमा साहिबा का, और ये है जी नज़ीर बेग साहब का, चेक करें माशाल्लाह। और ये है जी मोहम्मद फ़र्क साहब पेशावर से, इस बछड़े का भी अब दिल लगा है, इसने भी पहले पहले आके बोला था कि भी नहीं खाएंगे, और अब जाके माशाल्लाह अब डे बाय डे माशाल्लाह बेहतर हो रहा है, डे बाय डे इसका कलर भी आ रहा है, और ये देखिए माशाल्लाह अब इसको फ़र्क है, अभी पड़ने लगा है। और ये है जी हमारे दोस्त जीशान साहब कराची से, ये देखिए माशाल्लाह। और ये बछड़ा है जी अपना शेख साहब का, शेख ज़ुबैर साहब का, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, बहुत ही प्यारा। इन्होंने तीन बछड़ों की लाट ली थी बहावलपुर से, और उनमें से टॉप का जानवर था ये, बस सारे पैसे इसी की वजह से उन्होंने लगाए थे शायद, दूसरे तो बिल्कुल थके हुए थे बछड़े, बरहाल ये अच्छा है माशाल्लाह, उनमें से भी एक ठीक है। और ये है जी अपना नाम है उनका नदीम रबानी साहब, वो होते हैं ताइवान में, कराची से हैं वैसे। ये जी माशाल्लाह प्रिंट चेक करें आप, मैं देखता हूँ इसको हिला के, हट भी हट ज़रा पीछे हट, ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, कलर में बड़ा आउट क्लास है। और ये यामिन भाई, ये लड्डू आपका खा रहा है अभी, मैं जब जाऊंगा तो ये रुक जाएगा, ये सामने लड्डू आपका लगा हुआ है दबड़ दूस। और ये है जी नवीद मोहम्मद नवीद साहब लाहौर से, चल भाई ये जी नवीद साहब का माशाल्लाह जी, चेक करें ये माशाल्लाह, जानवर को 20 दिन जानवर को लग जाते हैं फार्म पे आके, ज़रा सेट वेट होने में, दिल लगाने में, स्टाफ के साथ ज़रा मेल जोल हो जाता है, फीड हो जाती है सेट, उनको समझ में आ जाती हैं चीज़ें, 20 दिन लग जाते हैं, और कई को कई जानवरों को महीना लग जाता है, कई दूसरे दिन शुरू हो जाते हैं। ये है जी यामीन साहब हैं हमारे दोस्त कराची से, तो माशाल्लाह अब ये भी ठीक है, अब यानी कि ये देखें बेहतरीन खा रहा है। और ये हैं जी अपना उनका नाम है कराची से हैं हुज़ैफ़ा साहब, हुज़ैफ़ा साहब का। और ये आ जाता है फरदीन साहब, फरहान साहब और हुसैन साहब कराची कोरिया से, ये माशाल्लाह, चेक करें प्लाई और फिर बताएं। और ये है जी क्लीम साहब, ये हमारे दोस्त हैं क्लीम साहब, माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा बछड़ा है ये भी, और बड़े इसका भी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये होते हैं उसमें और यूएसए में,
यूएसए में वैसे कराची से बिलोंग करते हैं माशाल्लाह। और ये है जी अपना रबी साहब, मसरूर साहब, मीडिया ग्रुप कराची से। तो ये जी माशाल्लाह बछड़े का प्रिंट अच्छा है, अभी खा रहे हैं। और ये है मेरा ख्याल अपना उनका जो कोटा सियालकोट से हैं उस्मान साहब, अब कंफर्म नहीं करता मैं उनका है या किसी और दोस्त का है, एक पांडा उनका भी है, ठीक है। और ये वाला बछड़ा आ गया माशाल्लाह जी आबद साहब का, ये चेक करेंगे, ये माशाल्लाह भी हाइट पे जा रहा है। और ये हैं जी स्पेशल प्रोटोकॉल भी, ये देखें जी माशाल्लाह, ये वाइट है बड़ा इसका और ऊपर मट्टी पड़ती है तो ये हो जाते हैं गदले। ये देखें जी माशाल्लाह वंडा इनको एक्स्ट्रा जा रहा है, ये मेरे ख्याल दूसरी दफ़ा शायद डाल गए हैं, अभी मैं लेट ही बना रहा हूँ। ये देखें ये नुमान साहब का है जी, नुमान भाई गुड लक, ये चेक करें जी, ये देखें माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। ये देखें और ये भी चेक करें, ठीक है, ये माशाल्लाह। ठीक, और ये देखें जी चेक करें किसी किस्म की अगर प्लाई में कमी है तो फिर बताएं। ये देखें जी माशाल्लाह, और ये जी छोड़ के खड़ा हो गया है, ऐसा 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 फिर ये खाते रहते हैं बाद में। इसको हुआ था वो दूसरी क्या बोलते हैं लंपी स्किन, नाम ही भूल गया अब तो, लंपी स्किन का मसला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी डेंजरस किस्म की सिचुएशन में चला गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है, अब 100% रिकवर है, कोई टेंशन नहीं, हर चीज़ से सही। और फीड का माशाल्लाह एकदम से इसका जो ना वो बढ़ गई है, खुराक पहले नहीं खा रहा था जब ये इसके ऊपर था वो क्या लंपी का मसला था इसको, तो इसने फीड छोड़ दी थी, हमने दूध और दलिया इस तरह के फीड जो है इसको एक लंबा अरसा दी, और ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में चला गया था, जिनके नीचे वो सोजश का गोला बन जाता है ना सीने पे, वो भी बन गया था इसके, कोई सूरत हाल नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया अपने हबीब के सदके, और माशाल्लाह एक क्रिटिकल सिचुएशन से हम निकले, अब 100% बिल्कुल बेहतरीन है माशाल्लाह। और ये है जी अपना उस्मान साहब हैं या मुनीब, शायद मुनीब भट साहब या माजिद भट साहब, वो दोनों भाई हैं या दोस्त हैं, ये उनका है बछड़ा। और ये देखें जी ये स्पेशल प्रोटोकॉल पे उन्होंने करवाया है, तो माशाल्लाह ये देखें जी इसका भी खाने का ये स्टाइल है, ये आज ने कल का है, ये अभी खाएगा कुछ चार दिन वंडा शंडा। और ये सामने जो है ये दिया अपना बछड़ा क्या नाम है असद सिद्दीकी साहब ने, क्या ना बताना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये इन्होंने ये खैरात के लिए दिया, हम अगले महीने इंशाल्लाह खैरात करेंगे जैसा कि हर साल करते हैं, अभी कोई डेट फिक्स नहीं की, और जब नवंबर आएगा ना फिर मौसम देख के फिर इसकी डेट भी आपको बता देंगे। तो ये उन्होंने अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान करने के लिए कहा कि जी आप अल्लाह के रास्ते पे इसको कुर्बान कर दें, तो अल्लाह ताला उनका कबूल फरमाए। ये है बछड़ा जी अपना कलीम साहब का, यूएसए में होते हैं, तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा बछड़ा है, ये देखिए ये अभी नया आया है बस भी। और ये है जी मलक शबीर साहब का, तो माशाल्लाह अब ये भी ओहो अब माशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर हो रहा है, ये देखें जी माशाल्लाह। ये है जी डब्बू तौसीफ साहब कराची से उनका, और ये वाला बछड़ा आ गया है जी फिर अपना असद सिद्दीकी साहब का 2023 का, ये भी असद साहब का है, और ये भी असद साहब ने अल्लाह के रास्ते में दिया है कुर्बान करने के लिए कि अल्लाह के रास्ते में इसे कुर्बान कर दें, ये दिए जी माशाल्लाह। और ये है जी अपना उनको अली भाई लाहौर से,
ये चेक करें माशाल्लाह, हो गया मेरा ख्याल इनको भी 2 महीने या इतना टाइम हो गया माशाल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह, ये देखें जी प्लाई। और ये मेरे इस साइड पे है ये रब्बाक साहब का, रब्बाक साहब हैं कराची से, ये वैसे मज़र साहब नाम है उनके बेटे का, नाम है बेटा उनका छोटा सा रब्बाक, तो ये उनका है। और ये है जी मेरा ख्याल हट जा अपना आसफ भाई का है या फ़र्क साहब का है, इनका कलर दोनों का सेम है मैं भूल जाता हूँ। ये वाला एक ये बैठा हुआ है, खा के बैठ गया अभी, ये चेक करें। इनमें से एक आसफ भाई हैं इस्लामाबाद से, एक उनका है और एक है अपना फ़र्क साहब का कराची से, और ये जी अली भाई का माशाल्लाह लाहौर से, और ये फिर है अली भाई का लाहौर से। और ये देखें जी माशाल्लाह सबके आगे बंडा पड़ा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानवर माशाल्लाह ऐसे ही खाते हैं हमारे। ये देखें अपनी दुआओं में अज़ीज़ कैटर फार्म को याद रखें, और जो भी दोस्त अप्लाई के लिए देना चाहें या मालूमात लेना चाहें वो रابطہ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।